हाय एवरीवन, तो फाइनली स्कॉटिश चर्च कॉलेज ने भी अपडेट दे दिया अपना एडमिशन से रिलेटेड, और आज हम जानने वाले हैं कि इनका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। और इन्होंने फाइनली साफ साफ बता दिया और पोर्टल भी नया बना दिया है। तो पोर्टल नया बनाने के बाद इन्होंने सारा चीज़ें अपडेट कर रखा है, बस अप्लीकेशन फॉर्म लाइव करने की दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टल पर चलते हैं, वहाँ पर हम लोग जो भी डिटेल होगा, बेसिक सा डिटेल होगा, अपडेटेड डिटेल होगा, हम लोग बात कर लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे स्लैश कर रहा है, आपको सिंपल सा यूजी एडमिशन 2024 पे क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो एक अलग पोर्टल में आपको लेके आएगा ये साइट। तो देख सकते हो ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज, और इन्होंने साफ साफ नीचे देख सकते हो स्लैश करते लिख रहा है। पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपका जो सेमेस्टर वाइज डिग्री कोर्सेस है, इसमें क्या क्या आपको बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी बी ए ऑफ़र किया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा 2024 में ऑफ़र किया जाएगा। इसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन से। देख सकते हो एडमिशन यूजी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए कोर्स फॉर सेशन 2024-25 विल बिगेन इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यूबीसीएचएससी रिजल्ट आर पब्लिश्ड। तो इनका मोटा मोटा कहना ये है कि जब तक वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता तब तक ये लोग अपना अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ही वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा उसी टाइम इमीडिएटली ये लोग लाइव कर देंगे। सारा चीज़ ये पोर्टल ऑलरेडी बन चुका है, बस ये जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तो उसी दिन 1 से 2 घंटा के अंदर ये लोग लाइव कर देंगे अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ें क्लियरिटी हो चुकी है। अब ये साइट पर क्या अपडेटेड है जान लीजिए। अप्लीकेशन फॉर्म के अलावा सारा चीज़ें अपडेटेड है, और पिछले वीडियोज़ में मैंने बात किया था सारा प्रोसीजर, तो होप फीस स्ट्रक्चर को छोड़ कर सारा चीज़ें सेम है। फिर भी मैं आपके लिए एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, क्लियरिटी हो जाएगा। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो एडमिशन मैनुअल ये लोग बना रखे हैं, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रखे हैं, इनटेक कैपेसिटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट टू अपलोड, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, कैंसिलेशन प्रोसेस आपका एडमिशन का, ठीक है। एडमिशन नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो एडमिशन मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2024-25 ये 30 तारीख को ही ये लोग लाइव कर दिए थे, ठीक है। तो ये साइट अच्छे से बन चुका है। अब वन बाय वन सारा चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एडमिशन मैनुअल 2024-25 पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होगा, तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाने दीजिए। देख सकते हो मैं डाउनलोड कर चुका था फिर समझने के लिए। तो आप देख सकते हो ये एडमिशन मैनुअल है, ठीक है। तो ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज रैंक NIRF रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग 100 रैंकिंग है, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है पूरा इंडिया में अगर 100 रैंकिंग है। ये कैंपस है, यहाँ पे अगर एडमिशन मिलेगा तो यहाँ से जाने वाला हो, ठीक है। ये एडमिशन मैनुअल जो है इसी में सारा आपको जो भी वहाँ पर बनाया गया कॉलम स्पेशली यहीं पर सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी ए ऑफ़र किया जाता है, ये 4 साल का कोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एडमिशन टोटली मेरिट बेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें देख सकते हो 22 पेजेस का ये PDF है, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपको इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा प्लस टू लेवल पे, ये ध्यान रखिएगा। और 100 नंबर वाला पेपर दिए रहेगा, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी है कोई भी कोर्सेज बी ए बी एस सी बी कॉम बी बी ए में अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पे जो मेरिट बनेगा बेस्ट ऑफ 4 का मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये भी दे रखा है कि टॉप 4 जो सब्जेक्ट होगा उसी के बेसिस पे ये लोग बनाएंगे, हालांकि मार्क्स पूरा अपलोड करवाएंगे सारे सब्जेक्ट का, पर जो बेस्ट ऑफ 4 है उसका आपको करना होगा। तो एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश आपको करना है और 3 आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है वो आप कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आप मिनिमम एलिजिबिलिटी और आपको समझ लेना पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी के साथ साथ कोर्सेज भी पता चल जाएगा कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो बीए बंगाली ऑनर्स है जिसमें 50% आपको एग्रीगेट चाहिए और 50% आपको बंगाली में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंडेक्स मार्क्स एग्रीगेट प्लस परसेंटेज ऑफ बंगाली, एग्रीगेट का 50 जो रहेगा और बंगाली का ये लोग कैलकुलेट करके आपको बना देंगे। जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दिखा देंगे कि इतना आपका गेन किए हुए, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब इंडेक्स आप समझ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसे आप समझ लीजिए। इंग्लिश ऑनर्स के लिए, बी ए इंग्लिश ऑनर्स के लिए 60% एग्रीगेट चाहिए और 70% इंग्लिश में रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 20% ये एग्रीगेट का वेटेज लेंगे और 80% जो मार्क्स रहेगा, 80% जो वेटेज रहेगा इंग्लिश का लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात किया जाए हिस्ट्री ऑनर्स, सारे स्ट्रीम का अलग अलग दे रखा है। जैसे आर्ट्स का है 55% एग्रीगेट चाहिए, 60% हिस्ट्री में चाहिए और 60% इंग्लिश या बंगाली में चाहिए, ठीक है। इंडेक्स आप अगेन देख सकते हो 30% एग्रीगेट प्लस 70
परसेंट जो रहेगा हिस्ट्री का मार्क्स लेंगे, ठीक है। एक इंडेक्स आप अपने हिसाब से यहाँ से देख लो, मैं बस एग्रीगेट ये जो एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम विदाउट हिस्ट्री का देख लीजिए आप, ठीक है। साइंस स्ट्रीम का देख लीजिए 60% एग्रीगेट है और 60% इंग्लिश और बंगाली में आपको रहना चाहिए, जो भी हायर होगा, ठीक है। दोनों में जो हायर होगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए 60% एग्रीगेट और 60% इंग्लिश या बंगाली में रहे तो आपको इंग्लिश रहेगा तो ठीक है, जो हायर रहेगा उसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये एग्रीगेट 30% ये वेटेज लेंगे और 70% इंग्लिश या बंगाली जो भी रहेगा उसके मार्क्स का ये लोग वेटेज ले लेंगे। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इन्होंने ये बोला अगर आपका टाई हो जाता है मार्क्स तो ये हिस्ट्री के मार्क्स को कंसाइडर करके, अगर उसमें भी आपको टाई हो जाता है मार्क्स को अगर किसी किसी कैंडिडेट के साथ तो आपको इंग्लिश के मार्क्स को ये कंसाइडर करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हो जाता है, तो ये लोग अपना से करने के लिए ये लोग ऐसा बना रखे हैं, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना कंपलसरी है, अगर नहीं फुलफिल कीजिएगा एडमिशन के टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, ध्यान रखिए। फिलोसफी ऑनर्स का देख लीजिए, ठीक है, बी ए फिलोसफी ऑनर्स का, ठीक है। मैं सबका नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम अच्छा खासा चला जाएगा, ठीक है। आप भी बोलते हो भी आप बहुत लंबा लंबा वीडियो बना देते हो, तो इतना डिटेल ही रहता है तो मैं क्या ही इसमें कर सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का आप समझ लो, आर्ट्स का अलग है, आर्ट्स विदाउट पॉलिटिकल साइंस का देख लो, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम का आप समझ लो, साइंस कॉमर्स स्ट्रीम का 55% एग्रीगेट 70% इंग्लिश या बंगाली जो हायर होगा उसका जो एग्रीगेट का परसेंटेज प्लस 2 गुना ये लोग इंग्लिश का मार्क्स लेंगे। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे आपको जो भी इंडेक्स मार्क्स रहेगा वहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं संस्कृत ऑनर्स देख लीजिए, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, ठीक है, ये बीएससी का कोर्सेज है। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स का भी देख लीजिए आप, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, ठीक है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। जो नहीं बता रहा हूँ वहाँ से पॉज कीजिए और आप समझ लीजिए जैसे मैंने ऊपर बताया, ठीक है, उतना समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। जूलॉजी ऑनर्स आप देख सकते हो। अब बात किया जाए स्ट्रीम कॉमर्स वालों के लिए, तो कॉमर्स वालों के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको मिनिमम 50% आपको एग्रीगेट चाहिए बेस्ट ऑफ फोर में और 45% जो रहेगा आपको प्रीवियस मतलब 45% जो रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा वो उनका रहेगा। और दूसरा कॉम्बिनेशन अगर आप फुलफिल कीजिएगा तो वो भी हो जाएगा, 55% आपको जो क्या रहता है रिलेटेड सब्जेक्ट जो रहेगा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में तो उसमें भी हो जाएगा। अब रिलेटेड सब्जेक्ट में ये सारे सब्जेक्ट में अगर आप हो रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें आपका 45% या 55% जो रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर बता रहा है इसमें से आपका रहेगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो देख सकते हो अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूडिंग बिजनेस मैथमेटिक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स भी रहेगा तो हो जाओगे। किसी के पास अकाउंटेंसी तो सबके पास रहता है ना आपका जो भी ये कॉमर्स वालों। अब देख सकते हो अगर आपके मार्क्स अगर यहाँ पे टाई हो जाता है तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट का ये लोग कंसाइडर करेंगे, उसमें भी अगर टाई हो जाएगा तो बेस्ट ऑफ फोर का ये करेंगे। वो पीछे क्लियर हो चुकी है आप समझ लीजिए। अब चलिए बीबीए का दिखा देते हैं, बीबीए देख लो विदाउट मैथ वाले आप एलिजिबल हो यहाँ पे, बस जेबीएस को छोड़ के यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ विदाउट मैथ अलाउड रहते हैं, तो यहाँ पे भी विदाउट मैथ का आप एडमिशन ले सकते हो बीबीए में। 50% आपका रहना चाहिए एग्रीगेट, ठीक है, उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से रहो आपका चलेगा। अब वेटेज कैसे लेंगे तो 80% जो एग्रीगेट का वेटेज लेंगे और 20% इंग्लिश का लेंगे, ठीक है। अगर आपका मार्क्स टाई हो जाता है इंग्लिश में मतलब मार्क्स टाई हो जाता है तो इंग्लिश के मार्क्स को ये लोग कंसाइडर करेंगे, ठीक है। अगर आपका मार्क्स टाई हो जाता है तो आपको मतलब इंग्लिश का भी टाई हो जाता है तो एग्रीगेट का ये बेस्ट ऑफ फोर का ये लोग कंसाइडर करेंगे, ठीक है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कोर्सेस एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब आ जाइए कि रिजर्वेशन जो है एससी एसटी पीएच और क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए, उनके लिए कुछ अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है तो आप ये समझ लीजिए। एससी एसटी का देख सकते हो, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का आप समझ लीजिए, क्रिश्चियन कैंडिडेट है उनका देख लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये इनका रहने वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो और इसका आप देख सकते हो। अब आइए इंटेक कैपेसिटी आपके बारे में मैं बता देता हूँ कि इंटेक कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, कोर्सेज वाइज आपको रिजर्वेशन वाइज कितनी ये है तो आप समझ लीजिए। जैसे बी ए ऑनर्स बंगाली इंग्लिश हिस्ट्री फिलोसफी पॉलिटिकल साइंस, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिख जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो बी ए ऑनर्स का जितना भी ऑनर्स है, जैसे बंगाली का 44 है, बाकी आप अपना जो भी रिजर्व कैटेगरी जो भी जनरल्स हो आप अपना सीटें देख सकते हो, जिस कैटेगरी से आप हो उसी कैटेगरी का सीट आप ले सकते हो, ये ध्यान रखिएगा।
तो अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा, अगर रिजर्व कैटेगरी के लिए आप कर रहे हो तो आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट हो, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हो, वो रहना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश के लिए 55 है, बाकी आप समझ लेना। हिस्ट्री के लिए 55, फिलोसफी के लिए 55, पॉलिटिकल साइंस के लिए 65, संस्कृत के लिए 50। अब आइए बीएससी कोर्सेज के लिए, तो बीएससी का इतनी कोर्सेज है, बॉटनी केमिस्ट्री, बॉटनी के लिए 36 सीट है, केमिस्ट्री के लिए 50, कंप्यूटर साइंस 33, इकोनॉमिक्स 60, मैथमेटिक्स 70, माइक्रोबायोलॉजी 33, फिजिक्स 50, जूलॉजी 36। तो काफ़ी लिमिटेड सीटें हैं यहाँ पे, तो अच्छी खासी यहाँ पे कट ऑफ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बी कॉम वालों के लिए, बी कॉम के सीटें टोटल 69 है। बीबीए जो है, बीबीए के लिए 50 सीटें हैं, ये ध्यान रखिए। एमडीसी के लिए 200 सीटें। अब बहुत लोग पूछते हैं भैया मेरे इतना परसेंटेज है, होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे मैं आपको कुछ जो भी बताता हूँ एक सेफ जोन में बताता हूँ, ठीक है। अब होना ना होना वो कट ऑफ पर डिपेंड करता है, हर साल कट ऑफ, कभी कभी कट ऑफ काफ़ी हाई चले जाते हैं, कभी कभी कट ऑफ लो चले जाते हैं। मैं बस ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी रहेगा कट ऑफ, वो कॉलेज ही ऑथेंटिक बता पाएगी जब रिलीज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। मैं भी बताता हूँ, बस एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। मेरा भी कभी कभी गलत हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आइए अब फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर आप देख लो, बंगाली, बंगाली में जो भी माइनर सब्जेक्ट आप लोगे उनका फीस है 12,826, इंग्लिश ऑनर्स के लिए 14,691, ये ध्यान रखिएगा। ये फीस है आपका आया, वेट अ मिनट, फीस यहाँ पे मेंशन होगा, ये आपका फीस ईयरली फीस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री का 14,691 है, जितने भी आपको जो सब्जेक्ट लेना है, फिलोसफी के लिए 12,826, कुछ कुछ के लिए आप 16,040 दोगे और 12,826, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए देख लो 14,691, कुछ कुछ साइकोलॉजी के लिए जैसे 17,905, ये क्यों बढ़ जा रहा है, तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल हुआ, कुछ और चीज़ें इंक्लूड होता है, इसलिए ये बढ़ जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सोशोलॉजी में 14,691, जैसे फिजिकल एजुकेशन में 17,905, ये प्रैक्टिकल के लिए कुछ चीज़ें इंक्लूड रहते हैं, उसके लिए ये इंक्रीज हो जाता है। बीए संस्कृत ऑनर्स के लिए 12,826, जैसे बीए संस्कृत में अगर साइकोलॉजी लीजिएगा तो 16,040, ये ठीक है। ये सब्जेक्ट क्या है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। ये माइनर सब्जेक्ट उसमें सेलेक्ट करवाया जाता है जब आपका रहता है तो, ठीक है। अब चलिए अब नीचे और चल चलते हैं हम। बॉटनी के लिए देख सकते हो 20,924 है, केमिस्ट्री के लिए 23,766, ठीक है। किसी किसी में 21,629 है, किसी में 21,051 है। कंप्यूटर साइंस में आप देख लो, इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स देख लो, माइक्रोबायोलॉजी देख लो, फिजिक्स देख लो, जूलॉजी देख लो। अब कॉमर्स वालों के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के लिए देख सकते हो जो बी कॉम ऑनर्स के लिए है, ठीक है। तो बी कॉम ऑनर्स का लगभग 41,857 फीस है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ये भी सारा चार्जेस ले रखा है, एनुअल चार्जेस 9,530, हाफ ईयरली चार्जेस 4,659, हाफ ईयरली बुक्स एंड जनरल चार्जेस 1,624, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है। इसके बाद आप बीबीए के लिए देख सकते हो 42,246 रुपया ये आपको ईयरली फीसेस। तो होप ये चीज़ फीस का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। तो एडमिशन प्रोसीजर आपका समझ लीजिए, कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे इनके साइट पे जब ओपन होगा तो, हालांकि मैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने ABCID इस साल से कंपलसरी कर दिया है, क्योंकि UGC के अकॉर्डिंग सबको ABCID बनाना है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये कहाँ से आप कर सकते हो, www.abc.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। तो ABCID जब बना लीजिएगा, ठीक है, हालांकि एप्लीकेशन फॉर्म में उतना रिक्वायर्ड नहीं है, पर क्रिएट कर लीजिएगा क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। उसके बाद आपको कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, UG 2024 एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से ऑनलाइन पोर्टल पे जाइएगा और जो भी कोर्सेज है वहाँ पे अप्लाई करना है। तब उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव रखना है, वहाँ से सारा फ्यूचर कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपको डिटेल सेंड किया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड अप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा किया जाएगा, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में पूरा आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन होगा, पर्सनल डिटेल, गार्जियन डिटेल, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कोर्सेज में कौन कौन सा अप्लाई कर रहा है, कॉन्टैक्ट एंड हॉस्टल डिटेल आप भर सकते हो। 3 स्टेप में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट होगा, क्या क्या अपलोड करना है, मार्कशीट करना है, एज प्रूफ करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी BPL, PWD, CU रजिस्ट्रेशन है तो वो कर सकते हो। ये चीज़ें मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बस इतना समझ लीजिए। 5वां में आपको कोई अप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगने वाला, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको प्रिंट एंड डाउनलोड कर देना है, ये ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर रहेगा, उसके बाद आपका ये चीज़ें इंट हो जाती है, ये नॉर्मल सा आपका है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो ये जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ये मैं बता दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी डिटेल भरिएगा सही भरिएगा, तो
जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद भरिएगा, ठीक है। जो भी आपका मार्कशीट पे डिटेल है वही आपको भरना है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए गाइस, होप यहाँ तक समझ में आ चुकी है। बाकी यहाँ पे मैं एक बार और साइट को लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको वेट अ मिनट, देख सकते हो एडमिशन मैनुअल में, उसके बाद एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन, इनटेक के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट टू अपलोड, कैंसिलेशन प्रोसेस, ये सारा चीज़ें इसी में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब कैंसिलेशन प्रोसेस भी इसी में है कि आपको कैसे आप एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हो, एक टाइम वो लोग देंगे। उसके बाद एडमिशन मैनुअल वही है जो PDF है, सारा यही चीज़ें एक ही में आपको दिया गया था, तो वही है। जहाँ पे क्लिक करोगे तो वही PDF आपके लिए डाउनलोड होगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको यहाँ से कुछ और जानना है तो जान सकते हो। एडमिशन स्टार्ट होने का वेट कीजिए, जैसे ये स्टार्ट होगा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर हमें बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, बाय, लव यू, और ख्याल रखिए अपना।